अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट आज हमने नाइन्थ क्लास, आज हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर के बारे में पढ़ने। अब रियल नंबर के बारे में मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट में बताया रियल नंबर क्या होते हैं, आज हमने उसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। अब इसमें दो टाइप्स आ रही हैं। पहले चलें ये मैं दो पार्ट करता हूँ, इधर एडिशन की बात करते हैं। और इधर मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। अब मैं दोनों के साथ आपको करवाता हूँ। देखिए आप पहले नंबर हमारी प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी क्लियर प्रॉपर्टी क्लियर प्रॉपर्टी इधर भी मल्टीप्लीकेशन में पहले का नाम ये है। अब वो किस तरह आपने राइट करनी है, वो हमारी प्रॉपर्टी ये है ए प्लस बी एलिमेंट रियल। ए प्लस बी बिलोंग टू रियल नंबर फॉर आर, इसे कहते हैं फॉर आर ए कॉमा बी एलिमेंट रियल नंबर। पहली प्रॉपर्टी हमारी ये है ए प्लस बी, कह रहे दो रियल नंबर को प्लस करो तो आंसर भी रियल नंबर में आता है। जब दो रियल नंबर को प्लस करो तो आंसर भी रियल नंबर में, इसलिए ये लिखा फॉर आर, इसे कहते हैं फॉर आर ए ए कॉमा बी एलिमेंट रियल नंबर। अब ये अपने स्टूडेंट किस तरह सेलेक्ट करते हैं कि ए मेरे पास है थ्री, बी मेरे पास है फाइव, हम ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं जी ए प्लस बी एलिमेंट रियल। ए थ्री है बी फाइव एलिमेंट रियल, ए थ्री में फाइव ऐड किया लेकिन एट बिलोंग टू रियल नंबर, तो आप इन दोनों रियल नंबर को जब ऐड करो तो आंसर भी रियल नंबर में आना है, इसलिए इसे कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी ये हमारी। अब मल्टीप्लीकेशन में क्लियर प्रॉपर्टी किस तरह ऐड करती है, वो इस तरह एडिशन में प्लस का साइन है ना, मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई का ए बी ए मल्टीप्लाई बी एलिमेंट रियल नंबर फॉर आर ए कॉमा बी एलिमेंट रियल नंबर। इधर स्टूडेंट वही बात है, आपने ए बी एलिमेंट रियल नंबर फॉर आर ए कॉमा बी एलिमेंट रियल नंबर। अब इधर भी आपने क्या करना है, दो रियल नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है तो आंसर भी रियल नंबर में आना चाहिए। तो लेट करते हैं, चलिए ए हम लेट कर लेते हैं फाइव, बी लेट कर लेते हैं थ्री। अब ये मैं फॉर्मली हूँ ए बी एलिमेंट रियल, ए हमारे पास है फाइव, बी हमारे पास है थ्री एलिमेंट रियल, फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई किया फिफ्टीन एलिमेंट रियल नंबर। इस तरह स्टूडेंट में पता चला जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी रियल नंबर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन की जो पहली टाइप्स है क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी में पहले ये लिखना है ए प्लस बी एलिमेंट रियल नंबर फॉर आर ए कॉमा बी एलिमेंट रियल, तो मैंने लेट किया तो प्रूव किया किस तरह ये रियल आता है, तो इधर मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई का साइन आ जाना है। अब इसी तरह स्टूडेंट हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड नंबर पर कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, इधर भी दूसरी का मल्टीप्लीकेशन में भी ये लिखना है आपने कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। अब सुनिए ये क्या होता है, इधर आपकी टू साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, किस तरह ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर आर ए बी बिलोंग टू रियल नंबर। अब इधर इधर भी कह रहा है कि आप दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन करें तो आंसर रियल नंबर में आता है। लेट करते हैं जी, मेरे पास ए इज इक्वल टू थ्री है, बी इज इक्वल टू फाइव है। अब ये वैल्यू हम इस फॉर्म में पुट करते हैं कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी में। अब यहाँ पर आपने लिखना जी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है जी, ए की प्लेस में थ्री लिखना है, बी की प्लेस में फाइव, बी की प्लेस में फाइव, ए की प्लेस में थ्री,
दोनों को ऐड कर एक वाला आंसर देखिए रियल में आंसर आया, इसे लिखा ए कॉमा बी एलिमेंट रियल नंबर। सारी बात प्रॉपर्टी रियल नंबर है तो अंडर एडिशन और कम्युनिटी प्रॉपर्टी में प्लस का साइन करना है। अब ये देखना मल्टीप्लीकेशन है तो ए प्लस बी है तो इधर ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई ए, और हमने लिखना है फॉर ऑल ए बी रियल नंबर। अब इधर भी कह रहा है जब इन दोनों मल्टीप्लीकेशन किया जाए रियल नंबर को तो आपका आंसर सेम आता है। चले हम ये वैल्यू ले लेते हैं, ए 3 है, बी हमारे पास 5 है, इधर बी हमारे पास 5 है, ए हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई किया तो 15। इस तरह कह सकते हैं ये 15 रियल नंबर, इधर भी 8 रियल नंबर है। इस तरह ये स्टूडेंट हमारी दूसरी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर की। इस तरह तीसरी प्रॉपर्टी स्टूडेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीसरी प्रॉपर्टी में आपने लिखना है ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इधर भी यही राइट है। अच्छा वो किस तरह आपने राइट करनी थी, वो हमारी ये है ए बी एंड सी प्लस, इधर भी ए प्लस बी प्लस सी, इस तरह लिखना है फॉर आर ए कॉमा बी एंड कॉमा सी बिलोंग टू रियल नंबर एंड कॉमा सी बिलोंग टू रियल नंबर। अब यहां पर देखिए पहले नंबर पर आपने स्टूडेंट क्या करना है जी, इधर आपने ब्रैकेट लगानी है, दोनों पे इनटू लगा दें, स्टार्टिंग बाद में इधर लगा दें, ये प्रॉपर्टी है। अब इधर ये स्टूडेंट आपने रियल नंबर जब ये भी लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है दोनों तरफ का आंसर सेम आना चाहिए। तो लेट करते हैं जी, ए हमारे पास है 3, बी हमारे पास है 5, सी हमारे पास है 2। अब हमने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है तो चलिए ए इस साइड पर, ए हमारे पास है 3, बी हमारे पास है 5 प्लस सी, सी हमारे पास है 2। इस तरह स्टूडेंट ए, तो ए हमारे पास है 3, बी हमारे पास है 5, सी हमारे पास है 2। इस तरह हमने वैल्यू पुट की, ये मैंने वैल्यू लेट की है सभी रियल नंबर वैल्यू लेट की, तो ए बी रियल नंबर 3, 5, 8 + 2, 3 और 5 और 2, 7, 8 में 2 + 10, 7, 3, 10। इस तरह देखिए स्टूडेंट आंसर भी हमारा रियल नंबर में आया दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। इस तरह स्टूडेंट ये तो एडिशन में समझाया, आप मल्टीप्लीकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो इस तरह लिखना है ए बी सी इधर और इधर, ये आपको आसान तरीके से समझा रहा हूँ। फॉर में लिखना फॉर आर ए बी एंड सी बिलोंग टू रियल नंबर, ये हमारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब इस तरह से आपने वैल्यू पुट कर देनी है, जिस तरह इधर एलेक्ट किया 3 और बी एलेक्ट किया हमने 5 और सी हमारे पास है 2। इस तरह स्टूडेंट ए हमारे पास 3 है और बी हमारे पास 5 और सी हमारे पास 2 है, तो 3, 5 = 15 मल्टीप्लाई 2 और 5 = 10। अब दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है। इस तरह देख लें ये भी हमारा रियल नंबर में आंसर है। इस तरह स्टूडेंट मैंने भी आपको 6 प्रॉपर्टी समझा दी हैं, पहले अंडर एडिशन के साथ 3 दोनों सेम है, लेकिन फर्क क्या है एडिशन में प्लस की बात होनी है, नेम सेम है, और मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लाई का साइन है यूज होना चाहिए।